सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। साडी आजादी पक्की होनी चाहिए 85% लोगों की, क्योंकि जो ब्राह्मण है यह पहले मुगलों ना मिलके भी वजीरियां लेता रहा, अंग्रेजों के नाल मिलके भी, इन्हें तो कोटी नहीं खाती। असि हजारां साल तो गुलाम बनन डे हैं। उन्होंने कहा भी वह कि पता लगेगा, वह कहता जी तुम उत्ते कमीशन भेजो। हूँ वेखो सारे लोगों ने तुम एक मूवी देखी है जिसे लाला लाजपत राय बोल रहा साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। पढ़िया साइमन कमीशन गो बैक क्यों गया, तो लिया कि अंग्रेज ने नहीं, साइमन कमीशन गो बैक ताडे हकां दा कतल करवा दिता गया। केड़े बंदे कहते बुकां पढ़िया, जे तुसीं बुकां पढ़िया तो तुहानू यह पता ही नहीं भी साइमन कमीशन गो बैक ताडे हाथ लैके आया सी। तुसीं अज भी अपनिया रोज मूवियां च देखते जे सिख खड़े आ वह लाला जाके खड़ा साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन से ताडे लोगों के हक लै गया तो तुम कालिया झंडिया के विरोधता करती। साइमन कमीशन ताडी आजादी लै गया 85% लोगों की, भी जेडे ब्राह्मण ने गुलाम बना के रखे तुम विरोधता करती, वो वापस गया। उन्हें डॉक्टर भीमराव ने कहा भी तू कहना 85% लोगों ब्राह्मण ने गुलाम बना के रखे, मैं जाके उन्होंने पूछना सी भी तुहानू की कुछ चाहिए। तो उस हिसाब के नाल जटा की पोजिशन उस वेले जो वाई का पंजाब का 100 साल इतिहास पटियाले यूनिवर्सिटी का पढ़ो, उत्थे तुहानू जटा की पोजिशन उस वेले पता लग जाएगी भी की हालात सी। तो वह तुहानू रिजर्वेशन देना चाहता सी, जिन्हें भी तुसी पिंडां नू बिलोंग करदे जे चाहे कमोह ला लो लवाने ला लो सैनी ला लो सारे का वेरवा उहदे च दर्ज है। 1743 जातां नू हक मिले सी। ब्राह्मण ने देखिया भी इह तां इह चाल है, उहने तुसी कहे विद्वान पढ़े कुछ नहीं, तुसी लाले दे मगर लाके तुहानू गो बैक कह दिता। जिहड़ा हुण आपां कहिंदे संविधान नू साड़ो ते सिमरनजीत सिंह मान संविधान दे मुताबक जिहड़ा इलैक्शन कोल लड़दा ते बाईकाट करी मान साहब जिद्दण इलैक्शन के काबिल बन गए ने। जे तुसीं सोशल मीडिया उत्ते वीडियो देखी होएगी तो उहदे ते मान साहब ने साफ किया भी आ मेरे को पेपर मैं भरना, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं सिखां दी गल चुकनी आ दुनिया के लैवल ते, धारा 25B आ मैं हुण इहदे ते लिखण लगा सिखां नूं तुसीं गुलाम बना के रखिया, साडे धर्म नूं तुसीं धर्म नहीं मानते। मान साहब ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर च वो जरनैल मैनू दसो किसे बंदे ने हाले तक किसे MLA ने कागज भरन गया एक लिखिया धारा 25B दे बोर्ड बोलिया हो। मान साहब ने उदन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर च यह गल कही है जिहड़ी गल कहने ना संविधान नूं साड़ो। संविधान दे विच धारा 25B जिहड़ी आ मैं तुहानूं दस्सिया भी एक कमेटियां सी, दो कमेटियां भीमराव अंबेडकर उहदे चेयरमैन सी, हुण जिधर बहुत संगति होवे कुलदीप सिंह ढलोणी इतों के मुख सेवादार ने, एक पास सारी कमेटी है एक पास कुलदीप सिंह ढलों है, हूँ इन्हों सारी कमेटी लैके चलना पैदा। वह तो नजर वटू बेचारा रह गया, उन्हें मुखालफत मुखालफत करी गया भी तुम आह भी गलत करते पे हो, यह आजादी लैन लिये असं इन्ना कुछ किया सू फिर गुलाम बना रहे थे नहीं चली। वह कमेटियां ने सारे वेरवे साढ़े को मौजूद है, धारा 25B लिखी गई पर डॉक्टर साहब ने फिर भी सिख बनना बनने वास्ते वो पंजाब चाहे भी मैं सिख बना ब्राह्मण के कोलों गुलामी का इको एक इंडिया के तरीका जे 1743 जातां ने गुलामी तो आजादी लैनी है तो सिख बन जाओ। जतेंद्र यादव जवाहर लाल नहरू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, यूट्यूब पर जाओ पढ़ो जतेंद्र यादव जाके सुनो, प्रचार इंडिया च शुरू हो चुका है। 1743 जातां नू दस्या जा रहा है ताडा कोई धर्म हिंदू नहीं हैगा, तुसीं वेदां नू साड़ दिओ रामायण नू साड़ दिओ महाभारत नू साड़ दिओ। जे 1743 85% लोगों ने जे इंडिया दे विच आजाद लैना है तो तुसीं सिख बन जाओ, ये असीं नहीं कह रहे इंडिया के लोग कह रहे हैं, तुहानू ये पता ही नहीं है गल का। जे नॉलेज है अज जाओ यूट्यूब ते भरो जतेंद्र यादव तुहानू पता लग जाएगा। वह लोग जिन्हां जिन्हां ने सिख ही नहीं है वाल कट्टे ने उस 1743 जातां वाले लोग गुरु ग्रंथ साहिब नाल उन्होंने मिलना शुरू कर दिया। भुल चुक माफ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।